हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से जो है कुछ लोगों का मैसेज आता है कि पिछली बार उनका सीटेट पेपर वन या फिर पेपर टू जो है किसी रीजन की वजह से नहीं हुआ। पढ़ाई तो उन्होंने अच्छे से की थी, बट जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिले थे एंड उसी वजह से उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, जिससे कि वो बीपीएससी से बाहर हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहली बार देने जा रहे होंगे, या फिर आपने कई बार दिया है और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। किसी का एक नंबर से रुक जाता है, किसी का दो नंबर से, पेपर वन पास हो जाता है तो पेपर टू नहीं निकल पाता है। तो अगर आप इस बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको मेरी तीन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन के समय, क्योंकि अभी भी आपके पास एक महीना पूरा है और अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। बट एक बार प्लीज़ ये जो मैं थ्री ट्रिक्स आपको बताने जा रही हूँ, इस बेस पे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा एसेस कीजिएगा, असेसमेंट आप अपना खुद का करना एंड उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके स्कोर बढ़ रहे हैं या नहीं। एंड जब सीटेट का रिजल्ट आएगा तो आप मुझे खुद मैसेज करके बताएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस भी मिलती रहें, क्योंकि हमारी क्लासेस भी होती हैं सीटेट की। मैंने ऑलमोस्ट सीटेट पेपर टू SST चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं, प्रैक्टिस भी आज हुआ है। फिर से मंडे से क्लासेस, तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं एंड संडे को प्रैक्टिस करते हैं। बाकी और भी जो पेपर वन पेपर टू ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-5 का, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, इसमें आपको 2000 से अधिक MCQs, 10 सॉल्व पेपर्स, जुलाई वाला भी साथ में है, 10 प्रैक्टिस सेट, CDP, मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया गया है। किताब बहुत अच्छी है, सारे आंसर सीटेट के ऑफिशियल आंसर से मैच कराए गए हैं। CDP का इस तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन वाइज। एंड इसके बाद से ये देखिए 39 तक, देन आपको यहाँ पर मैथ का मिलेगा, इसमें मैथ, EVS सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, आंसर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पर ये देखिए आप, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है एंड इसके नीचे जो है इनका पूरा आंसर की है। तो सो अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, उसकी भी किताब आती है चाक्सू की, आप ले सकते हो, जैसे कि हिंदी, EVS, मैथ, इंग्लिश, इन सभी का भी इनका आता है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो और एंड अपने आसपास किसी भी शॉप से ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उन्हें थोड़ा बहुत जो है बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं एक या दो बार दिए होंगे तो आपको पता होगा। आपको पता है कि सीटेट जो है 150 क्वेश्चंस का जो है इसमें 150 नंबर का ये जो है आपका एग्ज़ाम है एंड इसमें आपको 90 नंबर लेकर आना है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि सीटेट के मार्क्स जो है ऐड नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 90 नंबर लेकर आते हैं, पास भी हो जाते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है। तो अगर आप साथ में दूसरी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपको घर के भी काम करने हैं, आप जो है साथ में जॉब भी करते हो, तो आप ये फोकस करना कि किसी भी तरीके से आपको सीटेट के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मतलब प्रिपरेशन के लिए 2-3 घंटे। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास पूरा ही समय है वो तो आराम से 120 लेकर आ सकते हैं। हाँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या कहीं पर बिजी हैं 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं उनका नहीं आ सकता है। मैंने जस्ट एक आपको बताया है कि अगर आप 2-3 घंटे भी डेली टाइम निकालेंगे तो भी आपका सीटेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्किंग वुमन भी हैं, फीमेल भी हैं, जिन्हें घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप बस 2-3 घंटे निकालो, आपका हो जाएगा आराम से। देखो अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आप तुक्के भी लगा सकते हो। कई बार तुक्का का मतलब कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। और 150 क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि पेडागॉजी भी आता है, 150 क्वेश्चन में से 75 तो आपके कॉन्टेंट बेस्ड रहते हैं और 75 आपकी पैडागोजी होती है। तो कंटेंट तो आप NCERT से तैयार कर लेते हो, सबसे ज़्यादा फंसता कहाँ से है, पैडागोजी से। और अगर आप 75 में से 50 स्कोर कर लेते हो, चाहे 60 स्कोर कर लेते हो, तो आप खुद देखिए कि आपके नंबर तो वैसे भी 120 प्लस आ जाएंगे। तो बेसिकली थ्री ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए, आपको कॉन्टेंट पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो कंटेंट आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मॉक टेस्ट मत करना, क्योंकि कई बार होता है कि मॉक टेस्ट करते हैं वहाँ नंबर बढ़ जाते हैं, कई बार वहाँ नंबर कम हो जाते हैं, तो वो आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं देगा रियल एग्ज़ाम का। तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में टेस्ट देना है, खुद का असेसमेंट करना है, तो आप प्रीवियस पेपर में ही करो, ठीक है, ये एक चीज़ है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पैडागोजी के लिए, पैडागोजी में समझ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे। आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि उसमें कई दिनों तक पेपर चला था, 20 से 22 दिन तक, और इसके पहले भी 2 बार ऑनलाइन मोड में हुआ है, तो वो सारे अगर आपने पेपर भी कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें
थोड़ा बहुत चेंज कर करके पूछ रहा था, अब तो अगस्त से आपको एक ही पेपर मिलेगा, बट उसमें मल्टीपल पेपर आपके पास हो सकता है, तो वो एक चीज़ आपको करनी है। तो आपको 75 नंबर कंटेंट, 75 नंबर पैडागॉजी, कंटेंट तो आप एनसीईआरटी बुक से तैयार कर लेंगे, बट पैडागॉजी के लिए आपको क्या करना है, सारे जो हैं पैडागॉजी वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट नहीं, किसी कोचिंग का कोई भी नोट्स नहीं, आपको केवल सीटेट का करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सीटेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आंसर की दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने हमेशा बताया जब भी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ कि आपको आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको नो डाउट कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है, बट एग्जामिनेशन हॉल में कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो बाकी के क्वेश्चन भी छूटने लगते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, जैसे कि जोड़े मिलाने वाला और मिलान ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का स्टेटमेंट वाला, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे वो CDP हो, चाहे वो आपका SST हो, चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यही देखो कि इसमें से कौन सा आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है उस पर फोकस मत करो, कौन सा आ रहा है उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करो। अब वहाँ बैठ जाते हैं कुछ लोग, सारा मिलाने लगते हैं कि पता नहीं सही है कि गलत है, ये मत करना, नहीं तो बाकी के जो आते हुए हैं वो भी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिक्स आपको क्या मैंने बताई कि सारे जो हैं आपको पैडागॉजी प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, और एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि कई बार जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 150 क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने खुद के जो है एलिमिनेशन मेथड से, टैग वर्ड से, यहाँ से आपको जो है छाटना होता है। तो यहीं पर मैंने बोल दिया टैग वर्ड्स, तो आपको टैग वर्ड्स का यूज करना है। जैसे कि आपको पता है कुछ होते हैं पॉजिटिव, कुछ होते हैं नेगेटिव, 1 से 2 दिन में मैं आपको टैग वर्ड्स दे दूंगी, बहुत ही काम आती है। कुछ लोग बोलेंगे कि उतना नहीं आता, आप खुद एक बार क्वेश्चन देखें कि पॉजिटिव में कई बार आपको वर्ड मिल जाता है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, एप्रिशिएशन मिलता है सभी को मिलाकर, ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं। वहीं पर नेगेटिव कि सिर्फ, मात्र, केवल, तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है तो पॉजिटिव वाला आंसर है, और अगर नेगेटिव में पूछेगा तो आप टैग वर्ड से तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, आपका टाइम बचाएगा, साथ में आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, इवन ये सही ही होता है। और इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि पहले होता था कि जो सबसे बड़ा वाला आंसर है वही सही है, बट अब इसमें क्या हुआ है कि चारों के चारों ही आंसर इनके लेंथी ही होते हैं। पहले ये देखने को मिलता था कि पहला जो है 1 लाइन में है, दूसरा और एक लास्ट में या तीसरा जो है आपको कुछ 3-4 लाइन में आंसर है, तो कुछ लोग बिना पढ़े भी उसको टिक करके बढ़ जाते थे और सही हो जाता था, बट अब सीटेट ने क्या किया है, चारों के चारों ही लेंथी कर दिए हैं। तो वहां पे आपको यही तरीका अपनाना होगा, क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि उसमें किस चीज से पूछ रहा है, और डायरेक्ट आप आंसर में उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर ही हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब आंसर पे आते हैं तो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एलिमिनेशन मैथड, टैग वर्ड्स प्रैक्टिस से ही आएगी। तो दूसरा आपको क्या करना है, टैग वर्ड्स का भर भर के यूज करना है, क्योंकि यहीं से आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड मैं यहाँ पर आपको एक तीसरा जो है पॉइंट बताना चाहूँगी अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हो एंड वहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, या फिर आपने तुक्का लगाया है, या फिर आपने डाउट में रखा है, तो आप उसको कॉपी में जरूर नोट करें। इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करोगे, एंड अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो एटलीस्ट पढ़ा हुआ तो आप गलत नहीं करोगे। नहीं तो कई बार वहाँ पे बैठ जाते हैं फिर सोचते हैं अरे ये तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा है, तो ये इसी वजह से। तो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पेपर कर रहे हो, दो पेपर कर रहे हो, आपको 10 पेपर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 पेपर का एनालिसिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट कुछ लोग काउंट कराने के लिए करते हैं, नहीं, आप एक पेपर को करो बट अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब ये कि आपका CDP में कितने गलत हो रहे हैं, मैथ्स में कितना गलत हो रहा है, EVS में, SST में या मैथ साइंस में, और जो गलत हो रहा है पहले तो देखो कि आपने अपने तरफ से जो सही किया है वो 100% सही है, उसके अलावा जो आपके टॉपिक्स गलत हैं उनको कॉपी में नोट कर लो एंड 1 by 1 पढ़ते जाओ। बस सिंपल सी बात है कि आपको अपनी गलतियों पर काम करना है, अपनी कमियों पर काम करना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, पैडागॉजी की कंटेंट भी हो जाएगा, दूसरा आपको टैग वर्ड्स यूज करना है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल में यही 3 चीज़ें काम ही आएंगी, कि आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कितना आप अच्छा यूज कर पा रहे हैं, आपकी पैडागॉजी कितनी अच्छी है, एंड जो आपने एनालाइज किया है तो वो आपके माइंड में रहेगा कि आपने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पास करा देगा। अदरवाइज सीटेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ईजी एग्जाम है, कुछ टफ नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर आपने ये चीज़ फॉलो की होगी और या फिर आप कर भी रहे होंगे तो आप सभी का सीटेट 100% क्लियर होगा, एंड ऑल द बेस्ट, और आप सभी का अच्छे से क्लियर होगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।